बोलते यार कि उसमें मैदा होता है तू जरा सा निकाला अंदर नहीं किया कि फिर तू निकालने का चक्कर में है। अरे यार मुझे छोले कुलचे खाने का बहुत मन कर रहा है नहीं आजकल नहीं, तो मैंने उससे पूछ लिया है ना कि मैदा और सूजी मिक्स है। उसको तो बेचना है वो तो बोलेगा ही बोलेगा। तो वो तो पराठे ही बेचता साथ में पराठे तो ले सकता हूँ मैं पराठे ठीक है ना ये बता दे पराठे लेगा उससे हम पराठे बना नहीं लेंगे। हाँ पराठे ले ले। अरे पराठा ठीक है ना मगर पराठा नहीं खाते हैं पराठा पराठा तेल लगा होता है। अच्छा ओके यार बाकी तो देखो नाश्ता अपना डेली वाला तो है। अरे लेकिन नाश्ते मन करता है यार छोले कुलचे खाने का ना तो बाकी दिन भर में क्या खाता हूँ कुछ दिन खाता रात में बस सैंडविच खाता हूँ। तो कल मैंने रोटी खा ली थी क्योंकि तूने बनाए थे सैंडविच इतना थके थे ना कि मैं आ सकता तबियत नहीं ठीक है दवाई खा कैसा क्या बोला फिर डॉक्टर ने क्या बोला ठीक है सब ठीक है उनका तो हमारा तबियत खराब हो गया बैठ बैठ के खा ली। अच्छा पापा का ठीक बोला ना सब ये क्या है अरे उसको ये कुत्ते खाने में ये खीरा सब डल रहा है तो कौन बता रहा है सब डर बोलती है कि सब सब्जी दो उसको विटामिन मिलेगा। बात तो ठीक है ये देख लो ऐसे ओए पग्गू ये देखो ये फिर भी सही है मगर हाँ मगर ये चीज खराब है वही तो ये उबला हुआ होता है एकदम वो ठीक है वो अनाज है दाल है ठीक है मगर ये जो होता है ना ये मैदा बिल्कुल मत खाओ। अरे मैदा सूजी मिक्स है यार मेरे को तो भाई छोले कुलचे सुपर मेसी ठीक है पहले बता रहा हूँ मैं छोले कुलचे एनी डे ठीक है। अरे कौन देख रहा है यहाँ पे शेयर मार्केट कोई तो है नहीं टीवी चल रहा है। अच्छा ये देखो नॉडी को नॉडी अरे भाई हर सुबह मम्मी से लेना पड़ता है छोले कुलचे खाने के लिए यार क्या बताऊँ दोस्तों पर तुम लोग तो बताना मैं तो हर भाई मतलब जो जिम वाले बंदे होते हैं उनको भी देखता हूँ छोले कुलचे तो भाई सभी खाते हैं ये तो तेल भटूरे वाला मैटर तो नहीं ना तुम समझ लो मैदा है मैं जानता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इस चीज़ की ये भी मैं जानता हूँ लेकिन भाई ये लव है यार बाकी सब स्वीट फूड से बेटर है मुझे लगता है यार उबले हुए तो छोले होते हैं कुलचे बस थोड़े से मैदा होता है वो तुम जानता हूँ पर दही भी साथ में ले लिया अंडा ठीक है बेहतरीन से खाते हैं ना। अभी थोड़ी ना स्क्रीन नहीं चल रही यार अपनी होने वाली ठीक हुआ थी रिसेंट में तुम्हें याद है तब भी यार हाँ इसे देख लो जैसे वहाँ गया से ऊपर आना ही होता है ना भाई पग्गू इसका कुछ उपाय देखता हूँ यार बीच में ना लाइट कट गई थी ना हमारे घर की बड़ी बोले तो फटने की आ जाती है कुछ पावर हाउस में तो फटता है वैसा तो कुछ हुआ था उसके बाद से पता नहीं इसमें कोई दिक्कत आ गई है। ओए 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 ओ बदमाश ओ योडा ओ बेबी योडा अभी क्या है हम ऑटो से आ गए हैं ठीक है लाइट जा रही है तनिष्क मेरे साथ क्या सीन है भाई मैं तो देखो वही तनिष्क बता रहा था कि यार हमने बहुत बार हमने मीरगल पे मोटरसाइकिल का जिक्र किया तो और मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे यार एंड आती तुम देख लो मेरे को सामने अबार्थ दिख गई भाई क्या ही गाड़ी है यार अबार्थ की मैंने वीडियो आज तक नहीं बनाई यार तनिष्क को जुगाड़ निकालो यार अबार्थ पर बैठने का बहुत मन है मुझे अभी कॉल कर रहा हूं है कोई बंदा है ऐसा तैयार हुई है हां उनकी वो है शायद स्टेज है उसमें अबार्थ पे स्विचेबल मैप्स होते हैं ना तो 193 वो 191 तक 183 ऐसे मैप्स स्विचेबल होते हैं बीएचपी तो अभी उनसे बात कर लेंगे ना वो बनवा देंगे। अच्छा हां सही यार वो लाइट कैसे जा रखी है यहां पे लाइट जा रखी है भाई वैसे ही चली जाती है देखो और तुम इधर कैसे भाई उज्जवल इज माय फ्रेंड अच्छा भाई बुल्फ डिटेलिंग आ रहे थे बुल्फ डिटेलर्स क्या बात है यार अपने भाई का ही है मैं लेकिन मैं कुछ गंदा यार तो होता ही है डिटेलिंग स्टूडियोज में क्या बात है बुल खास हो रहा है तू सही है दोस्तों अपने फ्रेंड्स के तो 98 ना ना बिल्कुल बिल्कुल यार अभी हम चल रहे हैं जरा ऐसे ही फन करने भाई आपने तो बड़ा बढ़िया बना रखा है यार मानना पड़ेगा भाई नहीं सच में काफ़ी अच्छा यार आशंकी सही यार काफ़ी अच्छा बना रखा है तो ये अपने कादन भैया की गाड़ी है भाई पॉप्सन बैंक तो सुना दो इसके फिर हाँ मज़ा आ जाएगा भाई पर भाई को यार बेस्ट विशेज यार मतलब भाई का काम बहुत सही चल रहा है नज़र ना लगे मेरी भी यार ठीक है वो वाली बात है क्योंकि मेरी नज़र सबसे पहले लगती है ऐसे बहुत सही अब तो देखो तुम्हें अपने ब्लॉग्स में ज़्यादातर यार डिटेलिंग स्टूडियो गाड़ियाँ वगैरह देखने मिलती होंगी कुछ शैंकी ऐसे मेरे दोस्त मिल देखने मिल जाती है फुल गलत शैंकी पकड़ लो जरा भाई ये क्या है एग्जॉस्ट का आ रखा है नहीं कौन सा कैटबैक डी कैट क्या है ये भाई ये इसका भी मेरे को पता ही नहीं मैंने आज ही देखी है वाली गाड़ी ये तो बहुत अलग सी आवाज यार एकदम जैसे बुलेट बुलेट में नहीं होती आवाज वैसी लग रही यार ये था बढ़िया ना बुलेट तो गलत बोल दिया पर तुम समझ रहे हो ना कॉल स्टार्ट हुई थी ना तब उस टाइम तो ज्यादा खतरनाक
हाँ यार, पहले मैंने पोलो में ऐसे वहाँ सुनी यार, मैं कहा चलो कोई नहीं, लौट ले चलते हैं अब। काफी बहुत बहुत यहाँ मर्सिडीज भी आ रखी है और उधर अपनी जैगुआर तो खड़ी है ना, बेहतरीन यार, सही बना रखा है। अभी दोनों भाई बिजनेस रिगार्डिंग कॉल भी लगा हुआ था आज, होपफुली हमारा पहला जो कार फाइबर स्टेयरिंग है वो उसकी डील डन हुई है। ठीक है, तो तुम्हें दिखाते हैं, मैं पहला शेयरिंग है तो नोएडा की ही मतलब कस्टमर है, तो उनको खुद देने जाऊंगा, तुम्हें भी लाऊंगा, है ना, बहुत प्राउड वाली बात है यार। भाई यहाँ देख लो कोल्ड कॉफ़ी पीने आए हैं भाई, ये यहाँ पे ना राजा साहब है। ठीक है, अरे कुछ नहीं है भाई, क्या इसी का चलता है भाई यहाँ पे। अरे नहीं भाई, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा ये छोड़ो, इसकी बात तो भी करेंगे भाई, अभी मैंने गाड़ी के लिए बोला आपको, है ना, हाँ ब्लॉग में बढ़िया निकल जाएगा इसका, मुझे अच्छा अच्छा याद आ गया, नई गाड़ी आ जाएगी। हाँ नई गाड़ी वो अरेंज कर दो यार, गाड़ी ना किसके लिए गाड़ी अरेंज हो रही है वो बताना है क्या भाई, मुझे पता नहीं जी, बताना नहीं, पता अच्छा नहीं बताना, मना किया था मुझे। अच्छा हाँ ठीक है, गाड़ी अरेंज कर देना पोलो, ठीक है, हाँ मुझे अभी याद आया। ओके दोस्तों, हाँ भाई पालम विहार के बादशाह, मेरे को लग रहा भाई को पूछ रहे, भाई वो तो पूरे दिल्ली का बादशाह है, उसको क्या देख रहा है भाई को बता दे, मैंने डीजी मोटर आया हमारे साथ। हाँ अरे यार मेरा तो बड़ा मन था, मैंने कहा मगा आ जाओ, कह रहे 9 बजे तक बैठो फिर आता हूँ। ये डीजी मोटर है, मैं इसका रागा। हाँ लोना हो गया राजीव चौक, अब राजीव चौक से आगे क्या सोचा भाई, द्वारका मोड सीवन दावड़ी। लेकिन जो भी है भाई, पालम विहार के हम यहाँ पे ऐसे कॉर्नर बैठे हैं, ठीक है, मार्केट है ना ये, और इतना बढ़िया यहाँ पे कोल्ड कॉफी भाई ने बनाया ना यार, बेहतरीन चाप है ये, चाप तो मेरे फेवरेट है, पर चाप मैंने सुना है चाप ज़्यादा खाने से ना मैन बूब्स निकल आते हैं। नहीं आते है ही नहीं तेरे यार, मैंने वही मैं चेक करना चाह रहा। मेरे मत कर दियो बस, ठीक है, मजा और आ जाएगा तेरे को। ना 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 भाई मेरे तो है थोड़े बहुत ना यार, कैश की गड्डी मैंने तेरे को दी थी लाख वाली, वो कहाँ है, प्यार से खिलाओगे तो खाएंगे जरूर। चलो सही है, चलो यार बेहतरीन नाश्ता करते हैं भाई। अभी यहाँ पे उन काम से आए थे प्रीमियम ऑटोज करके, ये देख लो यहाँ पे उरुस खड़ी है भाई, ले लिए पैसे ले लिए भाई, पता नहीं बंदा क्या काम करता है यार, हर जगह से मोटा मोटा कैश उठा रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं ये वीडियो में बड़बड़ करने का काम मेरा बेकार है यार, असली काम तो मेरा भाई तनिष्क कर रहा है भाई, वो 2000 करोड़ वाली बात है ना भाई, हाँ, भाई जल्दी चलो, मैं बता रहा हूँ हमने एक स्टोरी बनाई गलत, दिल्ली का गल्ला है इसका 100 करोड़ का, इसको बैग खोल लिया ना पागल हो जाओगे, है ना, बस पागल नहीं होना, छोड़ो फंड नहीं खोल, डब्बा देखो इतना बड़ा। दक्ष क्या बोलना चाहोगे इस पे? भाई मैं यही कहूंगा हाँ, ये कैफे चलेगा नहीं भाई। कौन सा कैफे है? सनरूम। अच्छा ये सामने वाला, ये तो भाई गलत बोला, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डब्बा खुला के वहाँ पे रिव्यू दे दो, बहुत अच्छे अच्छे पिज्जा देख के भाई, यही कहना है। ये क्या था? हाँ भाई फ्रॉम दुबई, नई नई शादी, जिंदगी कैसे चल रही है शादी का मुझे बताओ। ऐसी पिज़्ज़ा के साथ बस मैनेज हो रहा है बस। भाई जीत गया, जीत गया, कर दे राजपूती, कह दे जब मैंने पंजर लड़ाया ना, तुम्हारा का रिकॉर्ड है कि अक्सर हराया है, ठीक है, रोहन भाई पहले ऐसे ओपोनेंट मिले हैं जिनसे बराबरी का टक्कर हुआ है, ठीक है, मतलब रोहन भाई आप क्या बोलना चाहोगे इधर बता दो भाई, जैसे भाई बता रहे हैं ना कि हराया या टक्कर लिया, हाँ तो हराया ही है या टक्कर ही लिया है, भाई का भी सेम मैटर है, सेम मैटर है, मयूर भाई मिले हैं बस, जो टक्कर टक्कर गए एकदम, ना ये गिरा पाए ना मैं गिरा पाया भाई। गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, मुकुल भाई अपने साथ है, मुकुल भाई मुझे ये बताओ यार, देख के लग नहीं रहा कि मैं दिल्ली में हूँ, ऐसा लग रहा जयपुर में हूँ मैं, भाई जयपुर वाला सीन है अपना भाई, मतलब ये पूछना बनता है कि इसके अंदर घर है अपना? घर नहीं है भाई अपना, जैसे पूर्वजों की हवेली है ये। अच्छा यहाँ पे भाई जाट सूरजमल के जो वहाँ से भरतपुर से जो चढ़ाई की थी ना, यहीं पे आके रेस्ट लिया था जो सूरजमल जी थे। अच्छा अरे वाह, उसको पहले मरोली की लाइट बोलते थे। अच्छा जी, इसके टॉप से अब भी दिखती है अगर मौसम साफ हो तो, दिखती है यहाँ से, लॉकडाउन में दिखती थी भाई, अभी नहीं दिखती। अच्छा हाँ तो सही है यार, मतलब मैं देख रहा हूँ भाई पूरा, देखो ना ये क्या है ये, और अपना पूरा मतलब जो परिवार है जो फैमिली मेंबर है सब अंदर रहते हैं? अंदर नहीं रहते भाई, बाहर ही रहते हैं सब, की जिनके प्लॉट व्लॉट में अपने प्लॉटों में, जैसे ये 4 मंजिली कोठी बना रखी था उन्हें। अच्छा हाँ ये अपनी है मतलब कोठी? हाँ, अपनी है, ये देखो ना गेट, वो भाई गेट है जो लाल किले उखाड़े थे,
लाल कृष्ण को खड़े थे। हाँ भाई देखो ना, ये गेट आप फोकस करो जाके। वही फोकस कर रहा हूँ, अभी फोकस कर रहा हूँ। ये लाल कृष्ण को खड़े थे। हाँ अच्छा जी, हाँ जी, सरन धातु गेट है। और आप कह रहे तो भाई इसके अंदर है फिर इधर? नहीं बाहर बाहर भर रहा हुआ रहते हैं। अच्छा क्या की देख रहा है तू भाई? भाई राजा महाराजा के बैकग्राउंड से है शंकी है? राजा महाराजा के बैकग्राउंड से है भाई शंकी। कर दे एक बार जय सूरजमल, कर दे जय सूरजमल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? जय श्री राम, जय श्री राम। हम श्री राम के वंशक है और श्री राम से हम प्यार करते हैं। अरे जय श्री राम। क्या चीज है ये? मतलब लोहे का टच करो क्या? लाल किला वाला गेट है। हां अरे वाह यार, शंकी देख रहा तू भाई? गुड़गांव में नहीं, गुड़गांव में कहा, पालन बिहार, दिल्ली में ब्रो, दिल्ली में देख लो यार। 24 ना, बिल्कुल यार। मतलब मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ भाई, मजाक वाली बात नहीं है, मैंने कभी दिल्ली में देखा नहीं भाई ये वाला मैटर ना। और आज क्या, आज व्लॉग नहीं बना रहा मैं यार। आज मुझे अपने बिजनेस वाले काम के रिगार्डिंग ना करोलबाग जाना है, तो आज व्लॉग नहीं है। अब देखो तुम्हारे लिए तो कन्फ्यूजन हो जाती होगी, मैं बोल रहा हूँ आज व्लॉग नहीं है पर कल व्लॉग आ गया होगा, क्योंकि ये व्लॉग है ये अपन थोड़ा सा आगे भी चल रहे हैं ना हल्का फुल्का, तो इसका फ़ायदा मिल जाता है अपने बार, समझ लो कि अपन अगर एक दिन व्लॉग नहीं बनाते तो पिछला व्लॉग होता वो डाल देते हैं वैसा। ठीक है, बड़े दिन था यार, व्लॉग एंड करें, व्लॉग खत्म करते हैं यहीं पे, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, 30 मिनट्स काम को भाई डबल लव जू है, एंड ऐसी सपोर्ट बना के रखो, मेरी गर्ल चैनल जरूर फॉलो करते रहो, क्योंकि यार बाकी सब ठीक है, बिजनेस वगैरह सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी जो अपना मेन काम है वो यूट्यूब ही है। ठीक है, कार रिव्यूज़ है, इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं हम इस चीज़ में, ठीक है, मॉडिफाइड कार रिव्यू के सेक्शन में, एंड वो सबसे मेन है, तो उसके लिए भी बैकहेंड में बहुत सारा मेहनत काम चलता रहता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, तुम सपोर्ट से बंदे कर रहे हो, इतना ख्याल रखना बस। ठीक है, मैं मास्टर बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सलाम।